हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सो मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडियाक रीडिंग के साथ. आज हम लोग देखेंगे हमारे स्कॉर्पियोज के बारे में. सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है. बट याद रखना, स्कॉर्पियो ये एक जनरल सा रीडिंग है. सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से. ये रीडिंग होगा आपका अक्टूबर 15th टू अक्टूबर 31st 2021 के लिए. एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं. ठीक है. सो स्कॉर्पियो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद देखेंगे कोई भी जनरल मैसेज एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स. सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज. ओके, द हर्मिट एनर्जी. Scorpio's energy, Scorpio's in love. Wow, the devil energy. Eight of pentacles. Okay, the tower energy. Scorpio, I feel that aap man hi man कुछ फील कर रहे हो जो आप दिखा नहीं रहे हो अपने आसपास के लोगों से. नाउ ये अट्रैक्शन हो सकता है दैट आप किसी से अट्रैक्टेड हो इस वक्त, मे बी आपके किसी फ्रेंड से या किसी एक्स पार्टनर से या किसी से भी, कुछ भी. आप एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो या फिर आप प्यार करते हो, ठीक है. बट आई थिंक स्कॉर्पियो, आप उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे हो. आप किसी को उस बारे में बता नहीं रहे हो, ना ही इस पर्सन को बता रहे हो. सो कुछ है जो बहुत ही हिडन है, कुछ है जो आप अपने आप तक रख रहे हो, ठीक है. आप इसको बाहर नहीं आने दे रहे हो. आई ऑल्सो फील दैट आपको डर है रिजेक्शन का. कुछ लोगों को यहाँ पे डर है रिजेक्शन का. आपने अगर किसी को कुछ कह दिया, मे बी वो पर्सन रिजेक्ट कर देंगे, मे बी वो पर्सन आप पे चिल्लाएंगे, आपका फ्रेंडशिप या आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. सो आप वो भी एक डर आपके मन में काम कर रहा है कुछ लोगों के लिए. बट आप होपफुल हो इस कनेक्शन के बारे में. आप चाहते हो इस पर्सन के साथ कुछ यू नो फ्यूचर प्लान करना, बनाना, एस्टैब्लिश करना, एक रिलेशनशिप या मैरिज या फ्यूचर, जो भी एनर्जी आप यू नो वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शन में. आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट देना चाहते हो इस कनेक्शन में. कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक न्यू कनेक्शन है. बाकियों के लिए हो सकता है ये पुराना एक्स कनेक्शन हो एक्स पार्टनर के साथ. एंड कुछ स्कॉर्पियोज है जो कम्प्लीटली सिंगल है इस वक्त. एंड आप काइंड ऑफ लव एनर्जी से डर भी रहे हो, बट आप इसको यू नो फील करना भी चाहते हो. सो आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, या आप किसी से प्यार करो, या आप किसी के बारे में कुछ फील करो, अट्रैक्शन फील करो. एट द सेम टाइम आपके मन में डर है कि एक बार प्यार हो गया फिर तो ज़िंदगी ख़राब है, या फिर अगर मेरा हार्ट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, रिजेक्शन मिल गया तो क्या होगा. सो एक डर भी है और एक इच्छा भी है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, यू नो. इंटरेस्टिंग. सो लेट अस सी जो लोग यहाँ पे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो पर्सन की एनर्जीज क्या है. पर्सन स्कॉर्पियो इज डीलिंग विथ. ओके, द एम्परर. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स. मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा ईगो है, या जो थोड़े से कंट्रोलिंग है, थोड़े से ज़िद्दी है, या इस वक्त ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या ज़िद कर रहे हैं, ज़िद पे अरे हैं, या थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको. हो सकता है स्कॉर्पियोज, डज नॉट मैटर. ना मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, आई डोंट फील ये पर्सन मूव ऑन किए. मुझे नहीं लगता ये पर्सन मूव ऑन किए हैं आपसे, ना ही ये कर पा रहे हैं. आई थिंक ये आपसे अभी भी स्टक फील करते हैं. इनको लगता है दैट अगर इवन इफ सब कुछ ख़त्म हो चुका है भी,
तभी भी ये पर्सन लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे, अगर ये आपके पुराने एक्स पार्टनर है तो। बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग है इस वक्त, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है इस वक्त। ये चाह रहे हैं पूरे सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना या अपने हिसाब से कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, कि मुझे जैसे चाहिए वैसा ही सब कुछ होगा, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही होगा, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आई फील दैट ये पर्सन भी आपके साथ यहाँ पे फिर से वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट ये पर्सन मे बी गुस्सा है आपसे, या मे बी यहाँ पे थोड़े से ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा you know, कुछ बीच में आ रहा है, जिस कारण से ये पर्सन चाह के भी वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। वो आपको इस कप ऑफर करना चाहते हैं विद द टू ऑफ कप्स, बट देयर इज दिस एनर्जी कि मे बी वो चाहते हैं आप पहले आके उन्हें ऑफर करें, या आप वो किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, या फिर वो बस गुस्सा है, ईगो है जो उनको रोक रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बट जिन लोगों के लिए है वो आपको ऑलरेडी पता है। सो आई थिंक आप वेट कर सकते हैं, या अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना वो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, या फिर आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। बट दैट इज़ द एनर्जी स्कॉर्पियो। मैं अगर जोडिया की बात करूँ तो मेरे पास है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, वाओ, एरीज एनर्जी, लियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेगमेंट। देखते हैं आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में क्या जान सकते हो। करियर एंड फाइनेंसेस, या करियर एंड फाइनेंसेस, ओके, नॉट सो मेनी। सेवन ऑफ सोल्स, या करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय स्कॉर्पियोस। नाइट ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, आई फील दैट आपको कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो okay, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कोशिश करना कि आप उसके बारे में पूरा नॉलेज आपके पास है, आप सब कुछ जानते हो उस ऑफर के बारे में, एंड तभी जाके उस ऑफर को कंसिडर करना, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना। अगर जो लोग यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हो, या इस महीने आप कुछ खर्चा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, या कुछ सिग्नेचर वगैरह करने वाले हो, उन लोगों के लिए भी आप पूरा पढ़ लो, पूरा जान लो, उसके बाद ही इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर वगैरह करो, पेमेंट वगैरह करो। कोई भी डिसीशन से पहले जल्दबाजी नहीं, कोई भी सिचुएशन से पहले जल्दबाजी नहीं, चाहे आपको कितना भी एक्साइटमेंट हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितना भी आप बिजी क्यों ना हो, डोंट यू नो रन, डोंट रश, डोंट डू थिंग्स जो आप बाद में रिग्रेट करो। दैट इज द एनर्जी। ठीक है, नाउ आई फील हियर दैट कुछ लोग यहाँ पे एक जॉब ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से। सो ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, दैट आपने सपना देखा था मुझे ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा वैसा, या इस कंट्री में चाहिए, या इस कंपनी में चाहिए, या मुझे ऐसे बिजनेस करना है, वो वाला बिजनेस करना है। आई थिंक वो सपना आपका पूरा हो रहा है, कुछ बहुत कम लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली हो रहा है एक मैनिफेस्टेशन पूरा। ठीक है, ऑल्सो ये मंथ में डिसीशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, सब कुछ, सारा जो डिटेल्स होता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सिचुएशन में इस मंथ में चांसेस है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को अनदेखा कर जाओ, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स मे बी आपके दिमाग से निकल जाए, इम्पोर्टेंट लोग
देयर्स टू मेनी कार्ड्स, वन मिनट. हाँ, सो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में भी आपके दिमाग से निकल जाए, या आपको, आपने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लिया है जो आप टाल रहे हो, या फिर कुछ ऑफर्स आपको मिले जो आप अनदेखा कर रहे हो, चांसेस है ऐसा हो सकता है. बट अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहोगे, देन आप अनदेखा नहीं करोगे, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा. सो उस पे ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा कैजुअल नहीं हो रहे हो, या आप अपना कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में नहीं थमा रहे हो. स्कॉर्पियोज, डिसीशन इज समथिंग जो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, डिसीशन डिसीशन डिसीशन. सो कुछ एक डिसीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये डिसीशन मे बी आपको पता है, मे बी नहीं. कुछ ऐसा डिसीशन हो सकता है जो आप बहुत टाइम से टाल रहे थे. आई एम ऑल्सो हियरिंग प्रॉपर्टी. सो अगर ये प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीशन है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट वगैरह है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, या आपका प्रॉपर्टी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिल रहा है, उसके बारे में कुछ डिसीशन या साइन, पेपर में साइन करना, एग्रीमेंट वगैरह हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपको मिले, या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, या समथिंग विद दैट, यू नो. मूवमेंट आएगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग मूवमेंट आ रहा है, विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, मैनिफेस्टेशन भी पूरे हो रहे हैं. बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप किसी भी डिसीशन या कुछ भी इम्पोर्टेंट करने से पहले प्रॉपर जानकारी रख रहे हो उसके बारे में. आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप खुद का कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं दे रहे हो. मूवमेंट आपके लिए आ रहा है. जो लोग होपलेस हो चुके हो अपने करियर या फाइनेंसेस में, मूवमेंट आप देखोगे. इम्पॉर्टेंट डिसीशंस, जो कोर्ट केसेस अटके हुए थे, जो डिसीशंस आप टाल रहे थे, जो मीटिंग्स वगैरह थी जो आप आज तक कर नहीं पा रहे थे, आई थिंक इस टाइम पे वो सारे चीज़ें हो सकता है बड़े ही स्मूदली, आसानी से, अगर आप प्रॉपर ध्यान रखोगे तो. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस है जो पूरे हो सकते हैं. सो ओवरऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पे स्कॉर्पियोज, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है. व्हाट आर द यूनिवर्सल मैसेजेस? गैदरिंग योर ट्राइब. आई थिंक ये मैसेज एक्वेरियस के लिए आया था. लेट्स सी मोर मैसेजेस फॉर माई स्कॉर्पियोज. स्टोरी टेलर. ओके, आप इस टाइम पे, आई एम हियरिंग आप इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे, या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिल सकता है. सो जो लोग काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गए हो, जो लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, या आप हील हो रहे हो किसी पास्ट हार्ट ब्रेक या ट्रॉमा, या आप अपने लाइफ में किसी डार्क टाइम से गुजर रहे हो, एंड आप चाहते हो कि आपको इंस्पिरेशन मिले कहीं से, या आपको कोई ऐसा मिले जो आपको हेल्प कर पाए इन मामलों में, आई कैन सी वो होते हुए आपके लिए. या तो आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो अपने काम से, अपने बातों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, या कोई आपको इंस्पायर कर रहा है इन सारी चीज़ों से, ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, इस टाइम पे किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो. जो भी आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, फ्लो के साथ जाओ, ठीक है. रेजिस्ट मत करो, कंट्रोल मत करो, खुद पे, खुद के लिए ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करो, अपने लिए ब्लॉकेज मत बनो. फ्लो करो, फ्रीली फ्लो करो, जैसा हो रहा है होने दो, फेथ रखो, सरेंडर करो. लास्ट टू लास्ट आपके लिए ही, आपके फेवर में ही सब कुछ होगा, यू नो, आपका ही प्रॉफिट होगा इन द एंड. आई एम ऑल्सो हियरिंग क्लैरिटी इज कमिंग फॉर यू, ठीक है. कुछ लोग बहुत ही परेशान हो, आपसे कुछ छुपा हुआ है, आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ सवाल है जो आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, या फिर अगर सवाल नहीं भी है, किसी चीज़ का क्लैरिटी आपके सामने आएगा. ये किसी इंसान का क्लैरिटी, किसी सिचुएशन का क्लैरिटी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, या फिर जो आपसे आज तक छिपा हुआ था बिकॉज डिवाइन टाइमिंग नहीं था. सो इस, यू नो, इस दौरान में भी आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग है, जब आप ये जानो, जब आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो. एंड ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है. सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. आई थिंक ये जो क्लैरिटी होगा, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ही मेहनत, यू नो, हेल्प करेगा, नॉट मेहनत, हेल्प करेगा, मदद करेगा आपका. बाद में जाके आप समझ पाओगे. आई एम ऑल्सो हियरिंग इस वक्त कुछ लोगों के लिए, आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है आपके लाइफ में क्या हो रहा है,
यू आर लाइक क्या है ये कैसी ज़िंदगी है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है ये क्या है, क्यों है। स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट ये जो इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है वो सही टाइम पे आपको समझ में आएगा। ये जो आपको पज़ल लग रहा है इस वक्त कि पूरा कहानी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड में जाके पूरा कहानी आपको समझ में आएगा, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, परेशान मत हो, उसको लेके ओवर थिंक मत करो, रिलैक्स। ओके, सम ऑफ यू इस महीने आपको हेल्प मिल सकता है, अगर आप किसी से हेल्प चाहते हो, फिनेंशियल हेल्प, या आप बीमार हो एंड आपका कोई डॉक्टर हेल्प कर रहा है, आपके पढ़ाई में आपके टीचर्स या आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, फिनेंसेस में शायद आपकी फैमिली, आपको जॉब, आपको हेल्प, सो अगर आपको हेल्प चाहिए आपको वो हेल्प मिलेगा, या फिर कोई कुछ लोग आपसे हेल्प मांग सकते हैं, करोगे नहीं करोगे वो ऑब्वियसली आपके ऊपर है। ऑल्सो आपके जो सोलमेट एंड स्पिरिट गाइड्स है स्कॉर्पियो, वो आपके करीब हैं। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो, जो भी मांग रहे हो, या आप जो भी कंप्लेंट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी बातें सुन रहे हैं आपके। ठीक है, सो क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, सोच समझ के बोलना। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे गुस्सा है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो सुन रहे हैं, वो है आपके लिए। सो जो लोग बहुत ही टेंशन में हो या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एनजाइटी में हो, वो है आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए। डोंट वरी, रिलैक्स। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।